तो क्या आप भी बिना पैसे की बिजनेस करना चाहते हैं? आज के टाइम पर हर कोई पैसे कमाना चाहता है। पैसा एक अहम ज़रूरत बन गया है हम सबके लाइफ का, जिसके बिना इंसान का कोई वजूद ही नहीं है। हम सब जानते हैं कि बिजनेस ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत अच्छा मुनाफा देती है, लेकिन इसके पीछे एक सत्य तो ये है कि आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। तो बिना पैसे की बिजनेस कैसे करें? दोस्तों, अगर आप सच में कोई बिजनेस करना चाहते हैं पर उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो दोस्तों हम आपको कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके आप बिना इन्वेस्टमेंट के पैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के समय में बिना पैसे के पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं? बढ़ते टेक्नोलॉजी के चलते आजकल बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिन्हें आप घर बैठे कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा भी अर्न कर सकते हैं। सो दोस्तों, आपके मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि बिना पैसे के बिज़नेस किया जा सके और हमें इससे मुनाफा भी हो सके। तो जवाब है जी हाँ, अब आप बिना पैसे इन्वेस्ट करे पैसे कमा सकते हैं। आपको हम कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें करके आप अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, जिसमें सबसे पहला बिज़नेस है ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस। ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद बिज़नेस है जो बहुत ही ईजी भी है। हम इस बिज़नेस को घर बैठे भी कर सकते हैं। इस बिज़नेस के लिए बस आपको एक स्मार्टफोन की ज़रूरत होती है, जो कि आजकल हर इंसान के पास होता है। आपको बस अपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाने होंगे जो आपके पास ऑर्डर प्लेस करेंगे और कस्टमर तक भेज सकेंगे। अब हम इसे पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट क्या रखते हैं। बस आपको एक नेटवर्क बनाना होगा जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके। आप चाहे तो अपना बिज़नेस सोशल मीडिया पर भी प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर बिज़नेस प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें लागत के नाम पर कुछ भी नहीं है। जब आपके पास ऑर्डर आएगा तब आपको थोड़ा सा सामान लाना होगा और उस ऑर्डर को पूरा करना होगा। इसमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट भी कुछ भी नहीं है। देन दोस्तों, सेकंड जो अपना बिज़नेस है वो है ऑनलाइन बिज़नेस। ऑनलाइन बिज़नेस आज के टाइम पर सबसे अच्छा बिज़नेस है। इस बिज़नेस को करने के लिए आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन और मोबाइल या लैपटॉप की नीड होती है। इस बिज़नेस को आप घर बैठे भी कर सकते हैं। ये बिज़नेस आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के कर सकते हैं। ऑनलाइन बिज़नेस करने के लिए आपके पास किसी सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। आप इस बिज़नेस को करके बिना मेहनत के पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसे ऑनलाइन बिजनेसेस बता रहे हैं जिससे आप अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं, जिसमें ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन टीचिंग, फ्रीलांसिंग, फोटो सेलिंग, कंटेंट राइटिंग, ऑनलाइन स्टोर। तो फ्रेंड, इससे आप ऑनलाइन पैसे अर्न कर सकते हैं। देन जो थर्ड बिज़नेस है वो है बिल ऑडिटिंग। बिल ऑडिटिंग एक ऐसा बिज़नेस है जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बिल ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? ऑडिटिंग का मतलब होता है कि आपको चेक करना होता है कि बिल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसे ऑडिट करना होता है। ये बिज़नेस ऐसा है कि इसमें बिना कुछ करे ही पैसे कमाए जा सकते हैं। कोई भी लागत लगाने के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इसमें आपको एक काम करना होता है, आपको कंपनी से कनेक्ट करना पड़ता है सोशल मीडिया के थ्रू या फिर जो भी प्लेटफॉर्म आप रेफ़र करते हैं उसके थ्रू। एंड जैसे ही आप कंपनी से कनेक्ट हो जाते हैं, वह लोग अपने कंपनी का कंटेंट आपको दे रहते हैं। तो घर बैठे बैठे आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। आप चाहे तो इस बिज़नेस आप किसी और को भी दे सकते हैं, उनसे करवा सकते हैं और अपना कमीशन ले सकते हैं। नहीं तो आप ये बिज़नेस सेल्फ भी कर सकते हैं। देन जो फोर्थ बिज़नेस होता है वो है ऑफिस सप्लाइज। ऑफिस सप्लाइज एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आपको बिना कुछ करे अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ऑफिस सप्लाई का बिज़नेस होता क्या है? ये बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें बिना पैसे लगाए पैसे कमाए जा सकते हैं। इंस्टीट्यूशन के कंटेंट करना पड़ता है, जो कि अपने यहाँ की जितनी रिक्वायरमेंट की चीज़ है आप उसे परचेस करते हैं। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी होता है। दोस्तों, आपको स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑर्डर मिलेंगे और आपको उस ऑर्डर को कंप्लीट करने होंगे। बस यही आपका काम रहेगा। इस बिज़नेस में आपको अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट के प्रॉफिट मार्जिन होंगे वो सीधे आपकी जेब में आ जाएंगे। देन जो नेक्स्ट बिज़नेस है वो है इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट एक ऐसा बिज़नेस है जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल है। हम सब जानते हैं कि हमारा देश जो हमारी एक संस्कृति से बना है, यहाँ पर शादी ब्याह भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर शादी ब्याह होते हैं तो लोग भी इवेंट मैनेजमेंट वाले ही कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शादी या शादी का ही कॉन्ट्रैक्ट मिले, आपको बर्थडे पार्टी, इंगेजमेंट पार्टी, इसका भी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा मुनाफा है, क्योंकि आपको बस लोगों के चॉइस के अकॉर्डिंग उनको जो भी प्रोग्राम है वो डिज़ाइन करना पड़ता है और बस उसका अमाउंट लेना होता है। दोस्तों, इस बिज़नेस में प्रॉफिट मार्जिन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि सब चीज़ आपको अरेंज करनी पड़ती है और वो लोग आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो अब आप इस पर डिपेंड करता है कि आप इससे कितना
प्रॉफिट कितना बना पाएंगे। देन जो नेक्स्ट बिजनेस है वो है योगा बिजनेस। योगा एक ऐसा बिजनेस है जो कि आप आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं। आजकल हमारा देश कोरोना वायरस नामक बीमारी से जूझ रहा है, और इस बीमारी के बचने के लिए सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। अगर हर इंसान योगा करता है तो उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और वह इस बीमारी से बच सकता है। योगा के बिजनेस में आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो इसीलिए क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट में कुछ भी नहीं लगाना है, बस आपको योगा करने के तरीके आने चाहिए और वही योगा के तरीके आपको लोगों को सिखाने हैं। जैसे जैसे आपका योगा सेंटर फेमस हो जाएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मिलते जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके यहाँ एडमिशन लेंगे। देन जो नेक्स्ट बिजनेस है वो है SEO कंसल्टिंग। इस बिज़नेस को करने के लिए आपके पास गूगल सर्च इंजन के बारे में इंफॉर्मेशन होना इम्पोर्टेंट है। इस बिज़नेस को करने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है, आपके पास ओनली नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपके पास एक कंप्यूटर भी होना ज़रूरी है और आपको कॉन्टेंट और थोड़ा ग्राफिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इस बिज़नेस में आप अपने अनुसार पैकेज बनाकर उसे कस्टमर को डिफरेंट प्राइस पर दे सकते हैं और बदले में आप एक अच्छी इनकम पा सकते हैं। आज के डिजिटल मार्केटिंग के दौर में आप ये बिज़नेस काफ़ी इंक्रीज भी कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट बिज़नेस है वो है सिक्योरिटी एजेंसी। सिक्योरिटी एजेंसी भी बहुत पॉपुलर बिजनेस है, खासकर फेस्टिवल के टाइम पर। हम जानते हैं कि जब फेस्टिवल आते हैं तो शहरों में और जहाँ वहाँ फेस्टिवल की रौनक होती है वहाँ पर भीड़ भड़क भी ज़्यादा लग जाती है। अब उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लोग सिक्योरिटी वाले को रखते हैं, जैसे कि हमारे देश में न्यू ईयर के टाइम पर होता है। न्यू ईयर के टाइम पर सबसे ज़्यादा लोग बाहर निकलते हैं और पार्टी करते हैं, लेकिन उस टाइम पर हमें सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सो फ्रेंड, अगर आप सिक्योरिटी एजेंसी ओपन करते हैं तो आपको फेस्टिवल के टाइम पर और ऐसे इवेंट के टाइम पर ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके सिक्योरिटी से लोग हायर करेंगे। दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट बिजनेस होता है वो है वर्चुअल असिस्टेंट का। वर्चुअल असिस्टेंट का काम भी बहुत ही अच्छा है। आजकल जो लोग बहुत बिजी होते हैं या उन्हें टाइम नहीं होता है अपनी पर्सनल चीज़ें करने का, तो आप उनके वर्चुअल असिस्टेंट बन के यह काम कर सकते हैं और यह आपको फिक्स्ड अमाउंट भी सैलरी देंगे। अगर उनके पास टाइम नहीं है तो वह आपसे अपने एक्स्ट्रा काम करवा सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट का फ़्लाइट बुकिंग, कोई रिजर्वेशन, ईमेल का जवाब देना, अपॉइंटमेंट फिक्स करना जैसे कामों को आपको करना होगा। आप यह सारे काम ऑनलाइन कर सकते हैं और आपको इसके लिए फिजिकली प्रेजेंट होने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको उनकी डिमांड पूरी करनी होती है और आपको उसके लिए अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाती है। वर्चुअल असिस्टेंट का काम इस कोरोना वायरस के टाइम पर ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि लोग बाहर निकल कर काम नहीं करना चाहते हैं, तो ये बिज़नेस अभी के टाइम में बहुत ही बेस्ट है। दोस्तों, जो नेक्स्ट बिजनेस होता है वो है इंश्योरेंस कंसल्टेंट एंड एजेंट का। इंश्योरेंस कंसल्टेंट वो होता है जो कि आपको बता पाए कि आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस अच्छा है और बेस्ट है। आजकल के टाइम पर हर एक इंसान इंश्योरेंस करना चाहता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी का कोई भी ठिकाना नहीं है। इंश्योरेंस करवाने का ये एक अच्छा बेनिफिट होता है कि अगर आप कभी ना रहे, फिर आपको कुछ हो जाए, तो आपके पीछे जो भी आपका फैमिली या फिर जो भी प्रियजन है वो सुरक्षित रहे या उनका फ्यूचर चलता रहे। तो आज के टाइम पर इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरेंस एजेंट का भी काम बहुत अच्छा है और इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, बस आपके पास कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बनाने आने चाहिए। आपकी जितने ज़्यादा कस्टमर बनेंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कैसे बिना पैसे से बिजनेस कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट करें, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।